हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रश्मि। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए, मैं अभी बाल को आई हूँ और कोरबा से मतलब 15-20 मिनट लगता है। तो यहाँ मेरी छोटी नंद रहती हैं, तो उनके यहाँ आई हूँ। अभी आप लोगों से मैं मिलाऊँगी, उनके साथ फैमिली मेम्बर से। तो यहाँ पे आओ तो ऐसा लगता ही है ना कि यहाँ पे आए हैं तो चलो उनसे भी मिल लें। उनकी भी एक बेटी है, उनकी जिठानी है, उनकी भी एक बेटी है। सब लोगों से मैं आपको मिलाऊंगी, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम हो गया करीब 3 बज रहे हैं, है ना? हम लोग का लंच वंच हो चुका है। उसके बाद देखिए मैं क्या क्या दिखाती हूँ, मेरे को खुद भी नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ कोई रेसिपी वगैरह तो बना नहीं रही हूँ। जहाँ जाऊँगी, जिससे मिलूँगी, जो करूँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये हमारी दीदी हैं, ये हमारी ननद है। हाय बोलते हैं। हाय। हाँ, आप लोग जरूर सपोर्ट करिए, और बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं और बहुत अच्छे कुकिंग रेसिपीज भी बताती हैं। तो जरूर देखिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, ताकि और सुधार करके और अच्छे वीडियोस बना के आप लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू दीदी। अम्मा आशीर्वाद दो। ये जो है हमारी बालकों में जो नंद है, उनकी सास हैं। काफी एजेड है लेकिन बहुत ही अच्छी हैं वो। तुमका हम आशीर्वाद दे रहे हैं बहुत अच्छे से। ये हमारी नंद रानी है। हाय बोलो। हाय। हाँ, ये भी हमारी नंद रानी है। हाय बोलो। हाय। और ये दोनों हमारी दीदियां हैं। इन लोगों को तो आप जानते हैं, इनसे तो कल ही मिले हो। चलिए आप लोग सब लोग हाय बोलिए। हाय बोलो। हाय। वर्षा। जूम करूं क्या? नहीं नहीं नहीं, चलो। हाँ, ये देखो, ये जो है मेरी ननंद की जिठानी की बेटी है। ये बैंक में जॉब करती है, और देखिए बैंक से निकल रही थी और रोड में पैदल ही थी, और एक तेजी से बाइक वाला आके इसको टक्कर मार के निकल जाता है। देखिए कितनी ज्यादा इसको चोट लगी है। देखिए इन लोग ना अपनी बहन का मजाक उड़ा रहे हैं, आजकल के ऐसे भाई बहन होते हैं। ये देखो, हाँ, गाड़ी वाला ठोक दिया। क्या हुआ था बेटा, कैसे लगा तुमको? बैंक से ड्यूटी कंप्लीट करके रोड क्रॉस कर रही थी, तो एक गाड़ी वाले ने बहुत ज्यादा स्पीड में आके उड़ा दिया। ये देखो, सच में इसको बहुत ज्यादा चोट लगी है। ये देखो, इन लोग अभी सब लंच कर रहे हैं। हमारी ननंद की बेटी है, इधर देखो। हाँ, ये भी हमारी ननंद की बेटी है। ये देखो पंकू, तुम कौन हो? नाम शामल शुक्ला। और फिर हम लोग अपनी ननंद के ऊपर में जो एक दो रूम बनवाए थे वो देखने के लिए ऊपर आ गई। ये देखिए सामने टेबल रखी हुई है, दो चेयर रखी हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर शीट डली हुई तो हवा भी बहुत अच्छी आती है, खुले खुले में बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही सब देखने के लिए हम लोग उनके छत में जो रूम बनाए हैं वहाँ पे आ गए थे। और अच्छा लगता है ना, अगर कोई कुछ बनाता है तो देखो तो पर्वत जैसा, पर्वत जैसा। ये बनाए थे हमारे छोटू भैया की, शंकर जी की जटा से पानी निकलता है, यहाँ पे टब रख दिए थे। ये देखिए उनके घर के सामने मंदिर है, गायत्री मंदिर है, और बहुत बड़ा मैदान है, और वहीं पे स्कूल भी है। ये देखिए, ये DAV स्कूल है बालको में, बालको नगर, जस्ट घर के सामने ही, मतलब बालकनी में आप आके खड़े हो जाओ, बहुत अच्छी लोकेशन है। वहाँ पे ग्राउंड वगैरह बना है, बच्चे लोग आके खेलते हैं, पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रंट में ही है वो, है ना? ये देखिए, उन्होंने गमले में ही ये पान का पेड़ भी लगाया, पान की बेल है ये, पान के पत्ते जो पूजा उजा में भी हम चढ़ाते हैं। और फिर हम लोग ये नीचे आ गए हैं उनकी जिठानी के घर में, तो उनका भी रूम आप देख लीजिए। ये देखिए, ये टैडी कितना प्यारा लग रहा है ना, कितने आराम से बैठा है। और ऊपर जो ये एक फ़ोटो आपको दिखेगी, ये उनकी बेटी की पेंटिंग है।
जब हम लोग बालको से आए उसके बाद भैया हमारे गाजर ला के रखे थे बहुत सारी। उसके बाद मैं बोली चलो अब इसका भी उपयोग कर लिया जाए, तो बैठ के मैं गाजर किसी हलवा बनाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं कढ़ाई में चढ़ा दी, उसमें थोड़ा सा घी डाल चुकी थी, और जब थोड़ा हल्का वो भुंज गया उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर भूंजने के बाद फिर इसमें मैं दूध डालती हूँ। और कई लोग इसमें तुरंत दूध डाल देते हैं, मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट भुन गया है, हल्का थोड़ा कम हो गया, फिर मैं पैकेट का डायरेक्ट दूध डाली हूँ, फिर पानी वानी में मिक्स नहीं करी हूँ ताकि अच्छा रहे। और कई लोग इसको क्या करते हैं, जब पूरा बन जाता है तो फिर इसमें खोआ मिलाते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को जो दूध डाल के ये जब हलवा बनता है तब जो खोआ बनता है ना इसमें मिक्स हो जाता है पूरा एक साथ, तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, दूध डाल दी हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाती रहती हूँ, और थोड़ा सा घी और मैं बीच में डालूँगी, जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा तब थोड़ा सा घी डालूँगी। ये देखिए अभी अच्छे से दूध जो है वो ओट रहा है, अब धीरे धीरे ये हलवे के रूप में होगा। मेरे को इसका टेस्ट वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपना इसको पहले अच्छे से उसको भून लिए घी में, और उसका जब वो पक गया ढक ढक के पका लिए, फिर उसके बाद शक्कर डाल दिए, शक्कर डाल के खोआ डाल देते हैं, पर उस ऐसा टेस्ट उसमें नहीं आता। ये देखिए मेरा हलवा बन के तैयार हो गया, बीच में मैं शक्कर डाल दी थी लेकिन उसकी क्लिप में मेरे से डिलीट हो गई थी। ये देखिए हलवा कैसा लग रहा है, और आप लोग भी ये हलवा खाइए, टेस्ट करके बताइए कि आप लोगों को ये हलवा कैसा लगा। ठीक है, खाइए। तो आप लोगों ने देखा मेरा आज का वीडियो, बालको गई थी, बालको में पूरी फैमिली से मैं मिलाई, और जब लोग लंच वगैरह किए थे वो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि अब कहीं जाओ तो ये सब ध्यान नहीं रह पाता है कि ये शूट करना है वो शूट करना है ना। फर्स्ट टाइम गई थी मैं जब चैनल क्रिएट करी हूँ उसके बाद, इसलिए तो जितना भी मेरे से हो सका मैं उतना आप लोगों को दिखाई। और वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे गाजर का हलवा बनाई, गाजर का हलवा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। अब यहाँ पे तो ऐसी वीडियो मिलेगा, ये वीडियो वैसे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। ठीक है, तो अब इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करें अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में। और जो लोग मेरे चैनल पर आज नए हैं या जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो फिर आज इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।